नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार में। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 19वीं पुण्यतिथि पर जबलपुर के इनकम टैक्स चौराहे पर समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महाराज माधवराव सिंधिया अमर रहे के नारे लगाए। साथ ही उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए उनका अनुसरण किया। जब तक सूरज चांद रहेगा इंडिया जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंडिया जी का नाम। माधवराव सिंधिया एक ऐसे व्यक्तित्व रहे जिन्होंने मध्य प्रदेश की सरजमी से निकल करके पूरे भारत में मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनके जाने से हम युवाओं की जो शक्ति छीण हुई है, उनके बेटे माननीय श्री ज्योतिराव सिंधिया ने हम युवाओं को जो प्रेरणा दी है, उनके बताए हुए कार्यों पर हम लोग निरंतर मध्य प्रदेश को सेवाएं दे रहे हैं। सम्माननीय नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनका भावभीना स्मरण किया कांग्रेस जनों ने और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए उनको याद किया। उन्होंने एक विरले नेता थे, उन्होंने देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई थी। ऑटो मालिक और चालक संघ ने प्रशासन के खिलाफ समस्त जबलपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके चलते आज जबलपुर की सड़कें बिना ऑटो के सूनी दिखाई दी। ऑटो की हड़ताल के चलते आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां बच्चे अपने स्कूल जाने के लिए ऑटो का इंतजार करते हुए नजर आए, तो वहीं रेलवे स्टेशन में भी बाहर से आने वालों को ऑटो के इंतजार में जमावड़ा नजर आया। ऑटो मालिक और चालक संघ का कहना है कि नियम के चलने के बावजूद भी आरटीओ द्वारा भारी भरकम चालान काटा जा रहा है। जिला प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। ऑटो यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर दो चार सवारी है और पांच सवारी है, इसके बाद भी माननीय आरटीओ महोदय ने ये निर्देश दे दिए हैं कि इनका चालान 1,000, 2,000, 5,000 रुपए बनाया जाए। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग दिन भर में सिर्फ 500 रुपए कमाते हैं, 5,000, 10,000 चालान नहीं दे सकते। हम लोगों को एक निर्धारित, भाई अगर ये चालान बना है तो निर्धारित स्थान एक राशि मुक्त किया है। हम चित्रकूट धाम करवी से आ रहे हैं, हम महाकौशल से आ रहे हैं। अभी हम काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हैं, कोई भी ऑटो टेम्पो कुछ मिल ही नहीं रहे और मेट्रो में तो जगह भी नहीं है पैर रखने के लिए। जी हड़ताल के बारे में जब हम ट्रेन में तब तो पता चला है। जबलपुर में इन दिनों फर्जियों की बाढ़ आई हुई है। पहले फर्जी पत्रकार, फिर फर्जी आईएएस और अब फर्जी सेना का कैप्टन पुलिस की गिरफ्त में आया है। सेना में भर्ती कराने का सपना दिखाकर आरोपी फर्जी कैप्टन सोनू रजक ने अभी तक कई युवाओं के सपनों से खिलवाड़ किया। जालसाज के झांसे में फंसकर लोगों ने अपनी जमा पूंजी भी गंवा दी है। सोमवार को इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो उसके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग करने वाले युवक युवतियां सन्न रह गए। रामपुर पुलिस चौकी ने इस जालसाज कैप्टन को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस ने आरोपी के पास से सेना की फर्जी सील, मुहर और लेटर भी जब्त किए हैं। जबलपुर शहर में बनी माता की प्रतिमाएं दूसरे शहर राज्य में बहुत प्रचलित हैं। दूर दराज से आने वाले दुर्गा समिति के लोग नवरात्रि के पहले दिन प्रतिमा स्थापित करने के लिए यहां से माता की प्रतिमा ले जाते हैं। मुख्य रेलवे जबलपुर से प्रतिमाओं के ले जाने का सिलसिला दो दिन पहले से शुरू हो गया है। बीते दिवस जबलपुर स्टेशन से एक दर्जन प्रतिमा इटारसी, बुरहानपुर, पिपरिया, गाडरवाड़ा, मैहर, बांदा, मानिकपुर, मुंबई के लिए रवाना हुई। प्रतिमा ट्रेन से ले जाने के लिए पार्सल इंचार्ज ने बकायदा ट्रॉली की व्यवस्था की। इसके जरिए समिति के लोग SLR तक आसानी से प्रतिमा ले जा रहे हैं। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही।